नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू मटर की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। वैसे तो आलू मटर आपने बहुत तरीके से खाए भी होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन आज हम आलू मटर नए तरीके से बनाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस तरीके से आलू मटर आप बनाएंगे, बड़े तो बड़े बच्चे भी उंगलियां चाट चाट करके खाएंगे। इसे आप टिफिन में भी दे सकते हैं और सफर में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए इस नई रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने ले लिए 2 आलू। ये बड़े साइज के हमने आलू लिए हैं। ये ग्राम के हिसाब से ये 250 ग्राम के करीब है। ये हमने लिए हैं कच्चे आलू, इनको हमने छील लिया है। इसमें बहुत मिट्टी थी, एक बारी मैंने इसे वॉश भी कर लिया है। अब इसको हम काट कर तैयार कर लेते हैं। पहले इसके मैं 2 भाग करूंगी, फिर 1 भाग में से 1 भाग और कर दूंगी। इसको मैं छोटे टुकड़ों में काटूंगी, जैसे आप देख रहे हैं। मैं इसी ढंग से सारे आलू को काट कर तैयार करूंगी। हमने सभी आलूओं को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे मैं 2 बार अच्छे से वॉश कर लूंगी, जिससे इसका स्टार्च निकल जाए। इसके साथ ही मैंने ले लिए थे फ्रेश मटर। ये ग्राम के हिसाब से 300 ग्राम के करीब मैंने फ्रेश मटर लिए थे। इनको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद ये मेरे पास 1 कटोरी फ्रेश मटर है। आप इस रेसिपी को फ्रोजन मटर से भी बना सकते हैं। अब ले लेंगे हम 1 कढ़ाई, गैस ऑन करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और उसे फैलाते हुए गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया, अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी में डाल रही हूँ हींग, 1/2 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें काली वाली सरसों, 1 छोटा सा टुकड़ा डालूंगी दालचीनी का। पहले इन सब चीजों को हम चला देंगे, जो जीरा भी अच्छे से चटक जाए और राई भी है काली वाली सरसों, वो भी अच्छे से चटक जाए। हो गया। मैंने ले ली थी 2 प्याज, मेरे पास मीडियम साइज की प्याज थी, मैंने 2 ली हैं। उसको मैंने पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज की प्याज हो तो बेशक आप 1 ले लें। इसके साथ ही मैंने ले ली थी 1 सूखी लाल मिर्ची, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल रही हूँ। अब प्याज को हमने भून लेना है 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं भूनना, ऐसी तेज गैस पर चलाते हुए जो प्याज है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमारी हो गई है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी हम चला देंगे, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। 1 मिनट तक इसे भी चला लें। ये 1 मिनट हो चुका है, हमने लहसुन अदरक को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची, मैंने ली थी 3 हरी मिर्ची, उनको छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो डाल रही हूँ। मिक्स कर दें, हरी मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे मटर जो हमने छील के रखी हुई है। इसके साथ ही हम आलूओं को भी डाल देंगे। अब इन दोनों चीजों को भी हम 2 मिनट के लिए मीडियम गैस पर भून लेंगे, ऐसे ही चलाते हुए ही। ये 2 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब इसमें डाल देंगे नमक, आप स्वाद अनुसार डालें। मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूं, 1/2 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर। इन दोनों चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब गैस को हमने कर देना बिल्कुल स्लो और इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ये 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले हम इसे अच्छे से चला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर,
ये कश्मीरी लाल मिर्ची है जो कम तीखी होती है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर दें। हमने इस सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं यूज करना है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा आप कम गैस पे बनाएं तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब गैस को हमने फिर स्लो कर देना है और इसको हमने ढक देना है 8 से 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। एक बार इसको हमने बीच में चला भी दिया था, पहले इसे चला देंगे। आप देख पा रहे होंगे जो मटर है वो काफी हद तक गल चुकी है, आलू भी अच्छे से पक चुका है। अब इसमें कुछ मसाले और डालेंगे, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ये पीसी हुई कसूरी मेथी है। 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला, अच्छे से मिक्स कर दें। ये मिक्स हो गया। मैंने ले ली थी 100 ग्राम के करीब दही, ये कम खट्टी दही है, ज्यादा खट्टी नहीं है, जो नॉर्मल दही होती है वो डाल रही हूं। मैंने इसे फैट लिया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी का। अच्छे से पहले इसको मिक्स कर दें। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इस दही को भी हमने पका लेना है, गैस को मीडियम करना है और हल्के हाथों से सब्जी को चलाना है जिससे कि दही है अच्छे से पक जाए। ये देखिए दही भी अच्छे से पक चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, हम गैस को बंद कर देंगे। ये सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इस ढंग से सब्जी बनाएंगे ये सबको बहुत ही पसंद आएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।